आज हम सीखेंगे चना मटर की ग्रेस के लिए हमें चना मटर को बॉईल कर लिया। बिना बॉईल किए भी बना सकते हैं और प्याज से भी बना सकते हैं, बिना प्याज के भी। तो उसी सेम कुकर में जैसे बॉईल किया उसी में हम ऑयल डालेंगे। कोई भी खाने वाला तेल डाल सकते हैं, मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। ठीक है, फिर इसको गर्म करेंगे और जीरा डालेंगे। तो 2 बड़ा चम्मच जितना मैंने दिखाया अभी चना है उसके हिसाब से इनफ है। बस तेल थोड़ा गर्म हो जाए फिर हम जीरा डाल देंगे और हरी मिर्च काट के डाल देंगे। बस इसमें ज्यादा सामान नहीं लगेगा, हरी मिर्च, टमाटर, नमक और सब वही बेसिक मसाले जो होते हैं हमारे, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं। और चाहे तो ना भी डाले तो हल्दी और नमक से बना सकते। तो बस अब हम जीरा, इतने ही सामान में बनेगा, हम जीरा डालते हैं। जीरा और हाँ ही डालेंगे, तेल हो चुका है, हमें इसमें जीरा डाल देना है। जीरा चैकर हो गया, इसमें हम अपनी हरी मिर्च डाल देंगे। हमने इसमें हींग, जीरा, तेल में और मिर्च और टमाटर डाल दिया। बस इसमें हम बेसिक मसाले से डाल देंगे, हल्दी, धनिया, मिर्चा वगैरह। उसके बाद चना ऐड करके मिक्सर लगा देंगे। मसाले ऐड करके इसमें हमने चना डाल दिया है और मेरे चने में पानी था तो मैंने वो भी डाल दिया। तो इसलिए मुझे एक, अगर आपने पानी नहीं है, ड्राई है आपका चना, तो वैसे ही एक विसल लगाना होगा। और थोड़ा पानी होगा मेरे जैसा तो 2 विसल लगाना पड़ेगा। बस हम लेट लगा देंगे और 2 विसल आने के बाद उसको अगर फिर भी पानी रहता तो ड्राई कर लेंगे, भून लेंगे गैस ऑन करके। ठीक है, तो चलिए अभी लेट लगाते हैं। थोड़ी देर बाद जब प्रेशर रिलीज हो जाएगा, 5-10 मिनट बाद इसको खोलेंगे, देखते हैं। फिर ड्राई रहेगी तो ठीक है, नहीं रहेगी तो फिर ड्राई करेंगे गैस वापस ऑन करके। ठीक है, ये 5 मिनट हो गया, मैंने लिड ओपन कर ली अब। लेकिन थोड़ा इसमें पानी देखिए दिख रहा है, तो इसको मैं गैस ऑन करके थोड़ा ड्राई कर लूँगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। अगर आप रोटी से खाना चाहते हो, वैसे जूस रहता तो भी खाते तो अच्छे लगते, लेकिन अगर सिर्फ चाय से खाना है तो थोड़ा सा इसका पानी ड्राई कर लेंगे। और उसके बाद प्याज और सेब डाल के और थोड़ा सा लेमन डाल के खा सकते और चाय ऐसे ही खा लीजिए। तो हमारी ये ड्राई हो गई है, बस गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखो बढ़िया कुरी बन के तैयार है। ये हमारी मसाला हो गई है तैयार, सिर्फ और सिर्फ बेसिक मसालों से बनी हुई, हल्दी भी है और देखिए राई भी होगी अच्छी खासी। ये देखिए कितनी यम्मी लग रही है मेरी, खाने में भी अच्छी और हेल्दी, कम से कम सामान में बनी। आप चाहे तो प्याज भी डाल सकते हैं, पर बिना प्याज के भी इस तरह भी बहुत अच्छी लगती है।